बंदूकबाज शूट कर रहे थे नवाजुद्दीन के साथ, ये मेरी जी दूसरी फिल्म है उनके साथ, जी तब मुझे समझ में आया कि उनका एक बहुत ही दिलचस्प सेंस ऑफ ह्यूमर है। इंस्टाग्राम रील दिख गया नेहा का, जिसमें वो ओके बहुत फनी, बहुत पेपी, बहुत स्वीट लग रही थी, तो मुझे लगा मैं उससे मिलना चाहिए, और मैंने उससे फ़ोन किया, वो आई मिलने, और मुझे लगा कि हमारे फिल्म का जो किरदार है उसका नाम डिम्पल है, डिम्पल चौबे, मुझे लगा ये सही डिम्पल चौबे हो सकती। फिल्में चल नहीं रही, उसकी रीज़न बहुत ये भी है क्योंकि फिल्में अच्छी बन नहीं रही। नवाज को जानता हूँ, मतलब 2012 से, अभी ऑलमोस्ट 11 साल से मैं जानता हूँ, और उसका वो जर्नी मैंने एक्टर से स्टार तक मैंने मैं उसका गवाह हूँ। नवाज भाई एक गेट को टपकने की कोशिश करते हैं, गेट के ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं, अच्छा तो वो जाते हुए उनका चप्पल जो है वो गिर जाता है, तो अच्छा अब उनको वो चप्पल को लेना है, पर वो एक तरफ है और चप्पल दूसरी तरफ है गेट। नमस्ते एंड वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं जोगीरा सारारारा, जो कि 12 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, उसके डायरेक्टर कुशान नंदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम आपकी इस फिल्म के टाइटल के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म का टाइटल आपने मतलब क्या सोच के जोगीरा सारारारा रखा है, क्योंकि बहुत तो ही जोगीरा यूनिक है। सारा तो एक्चुअली ये फोक गाना है जो आमतौर पे होली पे प्ले किया जाता है, जी और ये एक एक सेलिब्रेटरी सॉन्ग है। इट्स अ सॉन्ग अबाउट सेलिब्रेशन, मतलब एक मस्ती वाला गाना है, और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे हैं, उसका नाम जोगी है। सो वो एक हम पन और एक उसमें एक मजे लाने की कोशिश कर रहे थे कि जोगी का नाम भी आ जाए और एक फन सेलिब्रेटरी फिल्म जो है वो दर्शक तक पहुंचे बात। ओके अच्छा, थोड़ा सा हमें अपनी फिल्म के बारे में बताइए कि मतलब इसमें नेहा शर्मा और नवाज दोनों लीड एक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं साथ में, और नेहा शर्मा जिनका बहुत ही जो ग्राफ है करियर का वो थोड़ा सा अप डाउन रहा है, तो उनको कास्ट करना आपके लिए चैलेंजिंग रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, मैं थोड़ा शुरू से शुरू करता हूं। मैं जब हम बाबू मोशाय बंदूकबाज शूट कर रहे थे नवाजुद्दीन के साथ, ये मेरी जी दूसरी फिल्म है उनके साथ, जी तब मुझे समझ में आया कि उनका एक बहुत ही दिलचस्प सेंस ऑफ ह्यूमर है, और मैं चाह रहा था कि उसको वो अनटैप्ड है, उसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था, जिसके वजह से मैंने एक स्क्रिप्ट डेवलप किया जहाँ पे मैंने नवाज भाई को कास्ट किया, और फिर मुझे एक लड़की चाहिए थी, तो मैं सोच रहा था किसको कास्ट करूँ। सडनली मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे था और मुझे एक इंस्टाग्राम रील दिख गया नेहा का, जिसमें वो बहुत फनी, बहुत पेपी, बहुत स्वीट लग रही थी, तो मुझे लगा मैं उससे मिलना चाहिए, और मैंने उससे फ़ोन किया, वो आई मिलने, और मुझे लगा कि हमारे फिल्म का जो किरदार है उसका नाम डिम्पल है, डिम्पल चौबे, मुझे लगा ये सही डिम्पल चौबे हो सकती। अच्छा, तो नवाज के साथ आपकी दूसरी फिल्म है, और जिस तरीके से अभी मतलब वो कोर्ट का मामला चल रहा है जो भी उनका, तो क्या आपकी जो बंदूकबाज जो पहली फिल्म थी उनके साथ वो अच्छा परफॉर्म किया था, इस वजह से आपने उन्हें दोबारा कास्ट किया है, या कि आपने किसी और को इस रोल के लिए नहीं सुटेबल समझा? देखिए, मेरा कंफर्ट लेवल नवाज नवाज के साथ, और अच्छा सिर्फ कंफर्ट लेवल नहीं है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, वो तो ऑब्वियसली है वो, और मुझे इस रोल के लिए जब भी मैंने लिखा था तो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सोच के ध्यान में रखते हुए ही लिखा था, तो इस कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मैं किसी और को कास्ट करना चाहूँ इस रोल में। अच्छा सर, आपकी जो मूवी 12 तारीख को सिनेमा घरों में आ रही है, तो अभी जिस तरीके से बॉलीवुड का जो भी रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही है, तो अब तो कितनी उम्मीद है कि आपकी जो कहानी है जो मतलब थोड़ी ह्यूमर कॉमेडी उस पे जॉनर पे है, तो कितनी लोगों को पसंद आएगी? कुछ अलग है या नॉर्मल जितनी कॉमेडी फिल्म्स आ रही हैं उन्हीं के उसके तर्ज पे है? कुछ नया नहीं, मुझे आपने लगता है ट्राई वैसा किया है?
वैसे भी लास्ट 3-4 साल में मुझे लगता है कि कॉमेडीज बहुत कम आए हैं, मतलब फैमिली कॉमेडीज, मतलब आए हैं कॉमेडीज पर वो प्राइमरीली सोशल मैसेजेस वाले कॉमेडीज हैं। हमारा आउट एंड आउट कॉमेडी है जो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत देखा हुआ जॉनर नहीं है। एक तो मुझे मुझे वो अपने आप में नया लगता है। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है फिल्में चल नहीं रही, उसकी रीजन बहुत ये भी है क्योंकि फिल्में अच्छी बन नहीं रही। आप अगर ऑडियंस को अच्छी फिल्में देंगे तो मुझे लग रहा है ऑडियंस थिएटर्स में जाएंगे और फिल्म देखेगी। तो आई मतलब मुझे कभी लगता नहीं है कि देखिए एंटरटेनमेंट इज हर आदमी को एंटरटेनमेंट चाहिए, और हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट का दो ही फैक्टर है, एक सिनेमा देखना और दूसरा बाहर जाके खाना खाना। तो ये आपका कुछ भी हो जाए ना, ये लोग करने वाले हैं, तो आप उनको अच्छी फिल्में देखिए, वो देंगे दें वो जाएंगे सिनेमा थिएटर में। हम शायद उनको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं थिएटर में जाने के लिए, ये मुझे लगता है। अच्छा, मैं अगर आपके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो आपका कैसे इस इंडस्ट्री से जुड़ाव हुआ, और मतलब कैसे आपका सफर बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शुरू हुआ? देखिए मैंने काफ़ी साल पहले मैं सतीश कौशिक जी को असिस्ट करना शुरू किया था। तो मैं एक्चुअली वहीं से मैंने मतलब मेरी मैं बोनी कपूर साहब की कंपनी में था, और सतीश कौशिक तब एक फिल्म बना रहे थे रूप की रानी चोरों का राजा, जो बहुत ही बड़ी फिल्म थी, अनिल कपूर श्रीदेवी और जैकी श्रॉफ अनुपम खेर, और वो फिल्म जो है वो उस पर मैं असिस्ट किया कुछ साल, उस पर था मैं। फिर एक फिल्म उसके बाद एक फिल्म आई प्रेम जो संजय कपूर और तब्बू की थी, उस पर मैं असिस्ट किया। उसके बाद मैं यूटीवी ज्वाइन किया कुछ साल, वहाँ पे था मैं। फिर मैं टीवी के लिए बहुत काम किया, मैंने मैंने काफ़ी जी के लिए, सोनी के लिए, बहुत सारे टीवी के लिए मैंने चीज़ें की। और उसके बाद वो ऑब्वियसली वो ग्रेजुअल एक एक आपका स्टेप होता है कि आप अल्टीमेटली फिल्म्स करना चाहते हैं, तो वो गोल तो था ही, तो मतलब ऑब्वियसली वहीं पे प्रोसीड करना था। अच्छा, मतलब कभी आपकी फैमिली के तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि आपको इस फील्ड में नहीं, कहीं किसी और फील्ड में जाना है या कुछ ऐसा करना है? कभी नहीं। अच्छा, आपने इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो कोई जैसे चलिए हम नवाज के बारे में ही बात करते हैं, तो नवाज के साथ आपने 2 फिल्में की, उनके साथ लंबा वक्त बिताया होगा जाहिर सी बात है शूटिंग के दौरान, तो कुछ ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो जिस हिसाब से उनका अभी जो इमेज बनी हुई है पब्लिक में, तो कुछ आप ऐसी बात बताना चाहते हो? देखिए जहाँ हाँ. तक मैं नवाज को जानता हूँ, मतलब 2012 से अभी ऑलमोस्ट 11 साल से मैं जानता हूँ, और उसका वो जर्नी मैंने एक्टर से स्टार तक मैंने मैं उसका गवाह हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो आप मीडिया में सुनते हैं या जो आप जो आपके सामने पेश किया जाता है वो नॉट नेसेसरी वो सही है या वो दो तरफा है। वो हो सकता है एक तरफ भी कहानी आपको सुनाई दे रही, बहुत बार बहुत बार आपको पूरी कहानी नहीं सुनाई दे रही। तो मुझे लगता है कि नवाज बहुत एक अच्छे इंसान है, मतलब मैं जहाँ तक मैं इंटरेक्ट करता हूँ मुझे लगता है एक ये मैं बिलीव करता हूँ कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको पहले एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। क्योंकि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर के आप अपने सोल को बेयर कर रहे हैं जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपने अंदरूनी चीज को बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपकी अंदरूनी चीज बुरी है तो आपका जो बाहर निकल रहा है वो भी बुरा होने वाला है। तो मुझे लगता है हर अच्छे एक्टर के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। तो मुझे मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं इस पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि नवाज भाई के अंदर एक बहुत अच्छा इंसान है, जो ऑब्वियसली जिसके वजह से वो परफॉर्म कर पाते हैं जो करते हैं। तो मुझे मैं इन सब बातों को ध्यान नहीं रखता हूँ, और और इसके अलावा मैं उन लोगों को कास्ट करता हूँ जो मुझे लगता है मेरे रोल के लिए करेक्ट। तो मैं उस तरह से बहुत ग्रीडी हूँ, और मैं इसीलिए मैंने उनको कास्ट किया। अच्छा, इसके अलावा आप कोई और भी फिल्म उनको रख के, मतलब उनको ध्यान में रख के कोई प्लान कर रहे हैं अगला कोई प्रोजेक्ट? अब भी तो मैं फिलहाल कुछ अभी ये रिलीज के बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। मैं मेरी एक फिल्म और आ रही है जून में जो हर्षवर्धन राणे के साथ है, अच्छा और हाँ वो सेम टाइम ही शूट हुई थी,
ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइम शूट हुई थी, तो वो मुझे लगता है जून एंड या जुलाई में आने वाली है। अच्छा, आपने वो सतीश कौशिक का जिक्र किया था अभी, तो उनके साथ जुड़ा आपका कोई किस्सा, जैसे आप उनके साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम शुरू किया, तो कुछ यादें हो आपके पास उनसे जुड़ी जो कि अब हाँ हमारे मतलब पास। मतलब मुझे लगता है कि मैं पहली बार उनको दूसरी बार एक्चुअली मैं एक बार उनको कलकत्ता में मिला था। एक पार्टी थी जहाँ पे मैं मिला था, तो दूसरी बार मैं उनको जब मिलने मिला बॉम्बे में, तब मैं उनके पास काम के लिए अप्रोच किया था मैंने। तो मेरा एक बैकग्राउंड है जो फिल्म से है। मेरे पिताजी जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं। तो सतीश जी जब मुझे मिले तो उन्होंने ये बोला कि कुशांत तुम आज से मुझे असिस्ट कर रहे हो, तो तुम भूल जाओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम भूल जाओ तुम्हारा तुम एक बड़े फैमिली से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, तुम एक नॉर्मल असिस्टेंट जो बाकी सारे लोग हैं उनके जैसे बिहेव करोगे और उनके जैसे रहोगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं भूल गया सर अभी से। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था और मुझे याद है कि वो हर वक्त मेरी तारीफ करते थे सारे लोगों के सामने। उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिक करते थे कर रहे थे रूप की रानी के लिए, तो प्यारेलाल जी के सामने भी वो काफ़ी तारीफ करते थे। प्यारेलाल जी भी एक्चुअली मुझे बहुत प्यार करते थे। तो वो एक बहुत फॉन्डनेस था, बहुत उनका नेचर ही वैसा था, बहुत हंसमुख, बहुत दिलदार, बहुत बहुत बड़े दिल वाले थे एक्चुअली। किस फिल्म में आप उनके साथ बतौर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था आपने? रूप की रानी चोरा का राजा। अच्छा, तो उसके बाद आपका मतलब कितनी फिल्मों में आपने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और फिर आपको डायरेक्टर का वो मिला मौका डायरेक्शन? मैं एक्चुअली दो फिल्मों में मैं उनके साथ था, रूप की रानी और प्रेम। और उसके बाद मैं यूटीवी ज्वाइन किया, तो यूटीवी में मैं देवेन खोटे को असिस्ट करता था और बहुत सारे एड फिल्म्स में असिस्ट किया था मैंने उनको। कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स में भी अलग अलग लोगों, क्योंकि यूटीवी एक कंपनी है तो आप एक आदमी का असिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। तो मतलब काफ़ी मेरा वहाँ पे एक लंबा फेज गया। और उसके बाद मैं डायरेक्ट टीवी पे आया, मतलब टीवी 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 सीरियल्स डायरेक्ट करना शुरू किया। अच्छा, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ, मतलब साउथ का भी पिछले दिनों बहुत ज्यादा हाइप था, तो अभी उस सिनेरियो में आप क्या सोचते हैं कि साउथ की कहानियों पर, मतलब लोग बोलते हैं, ऐसे इंडस्ट्री के लोग भी आकर बोलते हैं कि साउथ की कहानियां बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, वो एकदम जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इजिली दर्शक खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड में क्या है, वो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में होता है, बहुत ज्यादा वो ग्लैमरस दिखाते हैं, तो इस वजह से वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है, तो उस पर आपका क्या है परसेप्शन? मुझे लगता है फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है। अगर आप साउथ के फिल्म देखें, आप साउथ के फिल्म बोल रहे हैं, तो आप एक्चुअली RRR, कंतारा, केजीएफ, KGF, आप पुष्पा। यही चार पांच फिल्मों की बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो साउथ के बहुत सारे फिल्में रिलीज होती हैं जो पिट जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हिंदी फिल्में पिटती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर अच्छी फिल्में बनाएं आप, तो वो साउथ में बनाए या हिंदी में बनाए या बंगाली में बनाए या गुजराती में बनाए, वो चलने वाली तो है। और अगर बुरी फिल्म बनाएंगे तो वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं चलने वाली है। तो मुझे लगता है हम इसको एक हिंदी वर्सेस साउथ का जो हमने एक कंट्रोवर्सी रेज किया है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी बेबुनियाद है। और ये बॉयकॉट गैंग ये सब जो है ना, ये मुझे थोड़े बचकाने लगती है। ये मुझे नहीं लगता इसका कोई कोई वैलिडेशन है या कुछ। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। आप क्या ये बिलीव करते हैं कि बॉयकॉट किसी फिल्म का अगर हो रहा है, किसी फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है, तो उसके हिट और फ्लॉप पे उसका इफेक्ट होता है? कुछ भी नहीं, मतलब मैं आपको बोलूं, अल्टीमेटली अगर फिल्म अच्छी है तो चलती है। पठान को बॉयकॉट करने का इतना हंगामा चल रहा था, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिल्म चली। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़े कुछ लोग जो हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे, कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं जिनका कुछ काम धंधा है होता नहीं तो वो बैठ के ना बॉयकॉट बॉयकॉट करते खेलते रहते हैं। वो मुझे लगता है उसमें कोई मतलब बहुत चाइल्डिश है।
अच्छा सर, ये ओटीटी को लेकर भी अभी कुछ दिनों से काफी चल रहा है। इवन सलमान खान भी बोल चुके हैं कि ओटीटी पे सेंसरशिप होनी चाहिए। तो अभी आपका ओटीटी डेब्यू नहीं हुआ है, तो अगर आप इन फ्यूचर करेंगे तो किस तरीके का जॉनर लेके आना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी जो फिल्म अभी आ रही है कुन फाया कुन, जो हर्षवर्धन राणे की है, वो हाँ ओटीटी पे ही आएगी। अच्छा वो जियो पे आ रही अच्छा है, जियो। तो वो हाँ, तो मतलब मुझे लगता है, मैं फिल्में बनाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फिल्म एक्चुअली फिल्म थिएटर में आ रही है नहीं। ऑब्वियसली थिएटर में आती है तो आपको एक एक उसका उसका एक अलग एक एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि आपको ऑडियंस का रिएक्शन जो है देखने को मिलता है। नहीं, तो किस जॉनर पे मतलब आप फोकस करेंगे? बना रहा हूँ। हाँ, देखिए, कुन फाया कुन जो है वो थ्रिलर है, तो वो थ्रिलर है। और मैं मतलब अभी तो एक ही फिल्म बना रहा हूँ, तो अब एक ही फिल्म मैंने बनाया है ओटीटी के लिए, तो वो थ्रिलर थ्रिलर। है। मैंने इतना इतना सोच के नहीं बनाया कि सेंसरशिप होगा नहीं होगा, उसके वजह उसको लेके मैं दिमाग में रख के नहीं बनाऊंगा। मुझे लगता है मुझे कहानी बोलनी होगी, अगर मुझे लग रहा है वो कहानी में कुछ जरूरी है तो वो जरूरी है। मैं ये सेंसरशिप का बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ। मैं मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है सेंसरशिप जो है वो सेल्फ होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आपको वो नहीं डालना चाहिए, अगर किसी को लगता है ये सही है तो ये डालना चाहिए। आप मतलब आमतौर पर आप देखिए, अगर आप अगर नेट पे भी जाते हैं तो सब कुछ सबके पास अवेलेबल है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई मैं किसी को रोक सकता हूँ कुछ देखने के लिए। तो मैं ओटीटी को क्यों रोकूं? तो मुझे वो अनफेयर लगता है कि किसी भी चीज़ पे सेंसरशिप। मैं तो फिल्म सेंसरशिप पे भी बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि रेटिंग्स होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए कि हाँ, इस उम्र तक या इस ये जो है ये थोड़े एडल्ट के लिए, वो मैं वो फिर भी मैं मान सकता हूँ। पर मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि आप एडल्ट के लिए क्या सेंसरशिप करेंगे, एडल्ट को तो सब पता है ना, तो किसके लिए आप सेंसरशिप कर रहे हैं? तो वो मुझे मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। अच्छा, ये आपने फिल्में वगैरह बनाई, टीवी में भी काम किया, तो क्या कभी आपने रियलिटी शो को कुछ प्लान नहीं किया कभी कि कोई ऐसा रियलिटी डांस या कोई वैसा रियलिटी शो वगैरह डायरेक्ट किया जाए, बनाया जाए? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी हमारी जिंदगी ही रियलिटी हो रहा है, तो मुझे नहीं कभी करना, मतलब मैं नेवर से नेवर, पर नहीं, हाँ, मुझे एक्साइट नहीं, कभी नहीं भी मुझे बॉस वगैरह एक्साइट टाइप कुछ भी ऐसा आपने बनाया, बनाने नहीं। का सोचा हो? मुझे एक्चुअली नॉन फिक्शन बहुत एक्साइट नहीं करता है। तो मैं कहानी बोलना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, कहानी को पर्दे पे लाना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद उसी में बेटर हूँ। अच्छा, आपको अगर कोई इंडस्ट्री से कोई मतलब बड़ा ऑफर मिले और मतलब कोई अच्छी आपके माइंड में स्क्रिप्ट आई है, तो उसमें नवाज के अलावा अगर आपको कास्ट करना हो तो आप किसे कास्ट करेंगे फिर? टोटली डिपेंड करता है स्क्रिप्ट क्या है। तो मैं ऐसा भी नहीं अच्छा, कि जैसे मैं कॉमेडी, कोई कॉमेडी है कोई मूवी? हाँ नहीं, वो मतलब कॉमेडी का भी बहुत सारे वर्जन है, मतलब तो मैं मुझे लग रहा है कि मैं वो स्क्रिप्ट पे ही डिपेंड करता है। मैं किसी को मतलब विदाउट स्क्रिप्ट कैसे बोलूँ आपको किसको कास्ट करूँगा। अच्छा, आपने इतना अभी थोड़ा जो भी समय बिताया है नवाज के साथ, तो कोई उनके साथ कोई एक कोई यादगार पल है जिसके बारे में आपको सोच के कभी हंसी आती है? कोई वियर्ड मोमेंट, कुछ फनी सी चीज हुई हो सेट पे, कोई नेहा शर्मा से जुड़ा ही कोई किस्सा वाक्या हो जिसके बारे में आप लोग बात करें, या कोई छेड़ दे अगर वो बात तो मतलब हंसी आए, क्योंकि आप लोग फन तो करते ही रहते होंगे सेट पे। हाँ, मतलब हम बहुत मजाक करते थे। एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड के वक्त नवाज भाई बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं कोविड के सारे नॉर्म्स को लेके, और ये कि हमको किसी को कोविड नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोग पैरानॉइड होते हैं, नवाज भाई भी वैसे थे। तो मुझे याद है कि हम उनकी बहुत हम खिंचाई करते थे, या बोलते थे कि आपकी वजह से हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि उनके जो दो स्टाफ के लोग थे वो चंडीगढ़ गए थे कुछ शूट करने, तो वो दोनों कोविड लेके आए, और सिर्फ लेके नहीं आए, हम लोग के पूरे यूनिट को उन्होंने दे दिया। तो वो कुछ आई थिंक ऑलमोस्ट फिल्म खत्म होके आई थी, लास्ट 2 दिन बाकी थे, बाकी था, पर सबको कोविड। अल्टीमेटली जब वहां से लोग निकले तो मुझे लगता है 20 लोगों को कोविड हो गया। तो मजे की बात ये थी कि नवाज भाई बहुत केयरफुल थे, पर उनका स्टाफ जब गए
वहाँ पे गए तो वो सब एक्चुअली और मतलब नवाज भाई सबको चेकिंग कराते थे, सबको खुद भी बहुत केयरफुल थे, तो हम उसको लेके हंसते थे कि एक्चुअली जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। और कोई आप मतलब कोई अपना पर्सनल कोई किस्सा है, क्योंकि मतलब आप अभी बहुत ज्यादा उतने रेनाउंड नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से इंडस्ट्री में अदर डायरेक्टर्स का वो रहता है, तो आप कुछ ऐसा कुछ किस्सा या कोई ट्रिविया शेयर करना चाहें, जैसे कि आपके बारे में हाँ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हम लोग के पास, गूगल पे भी नहीं है। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हमने बाबू मोशाय के वक्त एक्चुअली किया था। मैं एक एक सीन था उसमें जब नवाज भाई एक गेट को टपकने की कोशिश करते हैं, गेट के ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं, तो वो जाते हुए उनका चप्पल जो है वो गिर जाता है। तो अब उनको वो चप्पल को लेना है, पर वो एक तरफ है और चप्पल दूसरी तरफ है गेट, और गेट बंद है। तो क्या हुआ कि यूपी की गर्मी थी, ऑलमोस्ट 50 डिग्री की गर्मी थी। अब चप्पल जाने के बाद आपको एक ऑलमोस्ट 2 मिनट का सीन करना पड़ रहा है जहां पे चप्पल आपके नंगे पैर है। तो नवाज भाई एक तो बहुत डेडिकेटेड एक्टर हैं, तो उनको वैसा कुछ उनको इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती है, पर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अनफेयर होगा एक एक्टर के लिए कि वो नंगे पैर वहां पे कर रहे हैं और मैं अपने मॉनिटर पे बैठा हुआ हूँ कवर्ड होके। तो मैंने बोला कि जब तक ये शॉट नहीं होगा तब तक मैं भी वो जूते उतार के वहीं पे उस धूप में रहूंगा। तो उनको वो बहुत टच फील किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि वो हमारा एक बॉन्डिंग बन गया शायद वहां से। उनको लगा कि मैं एज एन एक्टर उनको वो रिस्पेक्ट देता हूँ, और तो एक बहुत ब्रदरहुड वाली फील हमारी एक्चुअली वहां से डेवलप करना शुरू किया। अच्छा, आप अपने थोड़े फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बताएं, कैसे मतलब कहाँ से आप रहने वाले हैं, कहाँ से आपकी पूरी जर्नी शुरू हुई, फैमिली में कौन कौन है, कैसे रहा मतलब अभी तक का सफर आपका? देखिए, मेरे पिताजी जो है वो एक्चुअली एक जर्नलिस्ट हैं, एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, और मैं जब एक्चुअली क्लास 10 में था, या मुझे लगता है और भी छोटा था, जब मुझे राज कपूर साहब गुजर गए थे, तो मुझे याद है कि उनके सारे फिल्में ना मैंने टीवी पे देखा था। जब उनका एक बहुत सारी फिल्में, उनकी फिल्में दिखाया जा रहा था, तो मुझे वो बहुत एक वो सिनेमा के बारे में ना एक बहुत स्ट्रेंज फैसिनेशन जो है वहां से डेवलप किया, और मैंने ये सोच लिया कि मुझे डायरेक्टर बनना है। और मैंने जब बोला घर पे, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं था, पर ये था कि सब ये बोल रहे थे कि मेरे माता पिता दोनों ने ये बोला कि देखो हम तुमको सपोर्ट तो करेंगे, पर ये जर्नी बहुत इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन फिल्म्स में क्या होता है कि आप फिल्में बनाती हैं पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस को अच्छा लगे नहीं लगे, तो आपका जो करियर है वो एक रिस्क फैक्टर होता है उस करियर का। तो ये मैंने मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तभी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो जिसमें मैं एंटर कर रहा हूँ उसमें वो रिस्क फैक्टर होगा। और फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी आया कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, पर पुणे ज्वाइन करने के लिए मुझे 3 मतलब पूरा आपका 12th के बाद मुझे मतलब 3 करके मुझे फिर ग्रेजुएट होना था, 3 साल और करके ग्रेजुएट होना था। तो मैंने बोला मैं तो नहीं, 5 साल तो नहीं करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं आई डू द हार्ड वे, तो फिर मैं सतीश जी को ज्वाइन किया। तो वो जो जर्नी था वो बहुत एक चैलेंजिंग जर्नी था, और मुझे लगता है कि मैं दोबारा अगर करूंगा तो मैं वैसे ही करूंगा। आप क्या मतलब बॉम्बे के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं कैलकाटा में मेरी शुरुआत कैलकाटा में हुई थी, मतलब वहां से मैं पला बड़ा हूँ, और मैं बॉम्बे 18 साल की उम्र में मैं यहाँ बॉम्बे आया, तो मतलब अभी तो मैं बॉम्बे बॉम्बे वाला ही हूँ। तो तो मैं आप
जब कैलकटा से बॉम्बे आए थे तो कुछ आपका भी कुछ स्ट्रगल रहा कि आप जब आए तो आपकी जेब में चंद रुपए थे तो आप एक रूम में रहते थे कुछ ऐसा हाँ जैसे? मतलब एक्चुअली लोगों को लगा, मैं बहुत बहुत फनी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब कलकत्ते से बॉम्बे आया ना, एक तो मेरे डैड रहते थे साउथ बॉम्बे, आपका साउथ बॉम्बे मतलब आपका पेडर रोड के आसपास, जो एक्चुअली जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे काफी दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की जर्नी थी। तो मुझे यहाँ पे बॉम्बे अपना अंधेरी में जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे रहना था, और मैं ये ठान लिया था कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और मैं ये अपने आप करूंगा। मेरी जर्नी मेरी मैं 18 साल की उम्र से मैंने अपने घर से एक पैसा लिया नहीं था, तो मेरी जर्नी खुद के दम पे था और मैं चाह रहा था कि, तो मुझे रहना था, एक एक मुझे एक घर चाहिए था रहने के लिए। रहने तो पहले तो मैं अनुपम खेर को जानता था, तो अनुपम खेर जी का एक बहुत करीबी दोस्त है जो एक्टिंग करते थे, तो वो अपकमिंग एक एक्टर थे, तो उनका एक घर था। तो मैंने बोला कि इसका कितना क्या, मतलब वो भी पीजी थे, मतलब उस पीजी में मैंने शेयरिंग ले लिया। तो उसमें क्या होता था, फनी बात ये था कि खीर साहब के एक ड्राइवर थे, वो भी वहां पे कभी कभी लेट होता था तो वो भी आ जाता था। तो अब एक रूम था, हम 3 लोग थे वहां पे रहते थे, और ये मतलब ये अनसेट रूल था कि जो 2 पहले आए उनको बेड मिला, और बेड जो था वो जमीन पे हुआ करता था, और तीसरा जो आया वो सोफा पे होगा, और सोफा जो था उसके स्प्रिंग रिंग थोड़े निकल गए थे, तो बहुत अनकंफर्टेबल ये था। तो हम सब ये मतलब एक्चुअली 7-8 बज जाता था रात का ना, तो अनलेस अगर शूटिंग है तो बात अलग है, अगर शूटिंग नहीं होती थी तो ये एक स्क्रैम्बल लग जाता था तीनों के अंदर कि कौन कौन 2 पहले घर पे पहुंचेंगे और किस कौन दोनों को, मैंने किसको सोफा पे नहीं सोना पड़ेगा। तो हाँ इस तरह से ये सारी चीजें मतलब जो तब शायद इतना फनी नहीं लगता है, पर अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये फनी तो था। मतलब अनुपम खेर जी आपके साथ ही रहते थे? नहीं, वो नहीं रहते थे, वो नहीं रहते थे, वो तो अलग ही रहते थे। मैं उनका अच्छा, एक उनके एक दोस्त हैं ड्राइवर और उनका ड्राइवर था। ड्राइवर रहता था। तो मेरा पूरा पहले साल का रेंट जो है वो अल्टीमेटली खेर साहब ने बोला था कि आप मत दो ही मैं देता हूँ, तो मेरा पूरा फर्स्ट ईयर का जो पेइंग गेस्ट का ये था वो रेंट खेर साहब ने बोला था, और वो मैं उनके कितना उनका था? आभार, कितना रेंट था? मुझे लगता है तब कुछ शायद 11 महीने का, शायद ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, मेरे पार्ट का 7,500 या ऐसा कुछ था, और किस मतलब टाइम की कुछ बात है? मतलब 700-800 रुपये का एक आदमी का शेयर था। अच्छा, मतलब वो तीनों का ये मिला के मैं उन्होंने? तीनों दिन मतलब मेरा शेयर जो था वो कुछ 700-800 का था अच्छा, पर मंथ। पर मंथ। और ये किस साल की बात होगी? कितने साल पुरानी? 91 की बात करें 91। ओके, उसके बाद फिर आपका सफर ऐसे शुरू हो गया। अनुपम खेर से आप कैसे मतलब जानते थे उन्हें? तो बहुत अच्छा, बहुत करीबी दोस्त हैं, तो जिसके वजह से तो कभी उनको लेकर आपने कोई फिल्म नहीं सोची है जैसे आप अब तो नहीं अभी डायरेक्टर हैं? तो मैं वापस मतलब वही मैं स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल कुछ स्क्रिप्ट होगा जो मुझे लगता है कि वो शूट करेंगे तो मैं जरूर उनके अप्रोच करूंगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म 12 मई को सुपर डुपर हिट हो, सिनेमाघरों में सबको पसंद आए, भर भर कर दर्शक पहुंचे देखने के लिए, और फिर हम आपसे अगली फिल्म के लिए फिर से वार्तालाप करें। शुक्रिया, तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।